अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में कोरोना ने जिस तरह से सबको परेशान किया हुआ है, हर मुल्क जो है कोरोना से फाइट करने की कोशिश कर रहा है और हम यानी पाकिस्तान भी उसमें पेश पेश है। हमने देखा है कि लोगों ने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस को जो है वो हम ख़त्म कर सकें। जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि बाहर लोग मास्क लगा के फिर रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, जगह जगह पे हाथ धोने के जो है इंतजाम हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। मगर इसके साथ साथ हमें अपनी एक और जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम में से अगर किसी को भी फ्लू हो रहा है, चाहे वो आम फ्लू है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप को कुछ दिनों के लिए 5 से 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में ले जाएं, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स नज़र नहीं आते, वो बिल्कुल आम फ्लू के जैसे हैं। मगर जिन लोगों को बहुत क्लियरली कोरोना वायरस हो जाता है, उनके गले में जैसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, नाक में उनको जो है वो इरिटेशन रहती है, फ्लू की सी कैफियत होती है, खुशक खांसी आने के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आते हैं, सांस में तंगी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉमिटिंग वगैरह जो है वो होना शुरू हो जाती है और कई दफ़ा सोचने और समझने की सलाहियत है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। ये तो कोरोना वायरस के अलामत हैं, मगर आम फ्लू में भी जैसे हम देखते हैं कि लोगों को ज़ुकाम लगा हुआ होता है, गले में ख़ारिश होती है, दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होती। इस सूरत हाल में जब आम लोगों को आम फ्लू भी लगा हुआ हो, आम ज़ुकाम भी हो, तो कोशिश ये करें कि आप अपने आप को अपनी फैमिली से आइसोलेट कर लें, मास्क पहनें, यकीनी तौर पे हैंड वॉश कीजिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी 1 मीटर का फासला जो एक दूसरे से ज़रूर मुतय्यन कीजिए। अगर आपको खांसी आ रही है, आपको छींकें आ रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बाजू में खांसी और छींक कर सकें। इसी तरह से बार बार जो है, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो हाथ धोकर जाइए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हाथ धोइए, और जब आप घर वापस आएं तो आने से पहले सबसे पहले अपने हैंड को वॉश करें। जब आपके हाथ गंदे हों, आपको लगे कि उसके ऊपर कोई जरासीम लगा हुआ है, तो अपने नाक, मुंह, गले, किसी भी अपने चेहरे के किसी भी बॉडी पार्ट को टच मत कीजिए जब तक कि आप हाथ धोकर साफ ना कर लें। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त लोग आइसोलेशन में हैं, एक पैनिक की सी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। जब हम पैनिक की बात करते हैं तो इस पैनिक का मतलब ये है कि अगर आपको आम फ्लू वाली सिम्टम्स हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, गले में थोड़ी सी ख़ारिश है, तो उस सूरत में भी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि शायद उनको कहीं कोरोना ना हो गया हो, ये चीज़ उनको परेशान कर रही है। ये परेशानी जो है ये आपके सिम्टम्स को ज़्यादा बढ़ा देगी। तसल्ली रखें आप अपने अंदर कि अगर आपके गले में आपको खुशक खांसी नहीं है, आपके गले में बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, पिछले कुछ 15 दिनों में और 1 हफ्ते में आपने अगर मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं किया हुआ, या आपका किसी ऐसे इंसान के साथ एक्सपोजर नहीं हुआ जो कि बीमार था, जिसको खांसी रेशा था, तो आपको यकीनी तौर पे हो सकता है कि आम फ्लू हो। मगर फिर भी मैंने जैसे आपको कहा है कि आपके एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूर लेनी है, मास्क पहनना है, आइसोलेशन में रहना है आपने, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 1 मीटर का फासला आपने रखना है, बाहर जाते हुए हाथ धोने हैं, घर वापस आते हुए दोबारा से हाथ धोने हैं, ताकि जरासीम जो हैं वो ना लग सकें लोगों को। हमने देखा है कि कोरोना वायरस ने ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पहले से किसी न किसी बीमारी में मुबतला थे, जिसमें उनकी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मदाफियत, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत जिन लोगों में कम है, उनको ज़्यादा अटैक किया है, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज़ हैं, जिनको HIV एंड एड्स का पहले से कोई ख़तरा है, इस मर्ज़ में मुबतला हैं, वो लोग जो कि पहले से ही किसी दिल की बीमारी के आरज़े में मुबतला हैं, और बच्चे ख़ास तौर पे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये वो सारे लोग हैं जो कि ख़ास तौर पे कोरोना का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना कुव्वत मदाफियत वाले जिन लोगों में कम होता है उनको ज़्यादा हमलावर होता है। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि कोरोना वायरस से लोग जो है रिकवर कर जाते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर सबसे पहले तो अपने आप को महफूज कीजिए और अपने प्यारों को महफूज कीजिए उन सारी एहतियाती तदाबीर के साथ जो आपको बार बार बताई जा रही हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना डायग्नोज हो जाता है, कोरोना का वायरस उसके जिस्म में मिल जाता है, तो इस बात को यकीनी रखें कि अगर आप घबरा जाएंगे, अगर आप परेशान हो जाएंगे, अगर आप खौफ को अपने ऊपर तारी कर लेंगे, तो उस सूरत हाल में आपकी सिचुएशन जो है वो वर्स हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। अपने आप को पुरसकून रखते हुए इस बात का यकीन दिलाइए कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, और आपने बेहतरी की तरफ आना है। पानी गर्म ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए, अच्छा खाना, खूब पका हुआ खाना जो है, बीमारी की हालत में भी खूब पका हुआ खाना जो है वो खाने की कोशिश कीजिए, बार बार अपने हाथों को धोने की कोशिश कीजिए। और हमने देखा है कि कोरोना वायरस से अमवात की शरह बहुत कम है, यानी 2 से 3% सिर्फ अमवात की शरह है, मगर
बदकिस्मती से ये एक ऐसा वायरस है जो फैलता बहुत तेज़ी से है। सो इस सूरत हाल में ये सिर्फ ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हम सब की एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए कौम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक कौम के तौर पे इस वायरस को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की भी मदद करें और अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं लोग आइसोलेशन में हैं, घरों में बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, डिप्रेशन का आलम बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं मैडम घर में बैठे हुए हैं क्या करें। ये इस टाइम को आप बहुत अच्छा भी बना सकते हैं अपने लिए, जब आप आइसोलेशन में हैं एटलीस्ट आप अपने घर में अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारने की कोशिश करें, गेम्स प्ले करें, उनके साथ स्टोरीज शेयर करें, वो अच्छा टाइम जो कभी नहीं आपने उनके साथ गुजारा उसको उसके साथ गुजारने की कोशिश करें, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, बच्चों के साथ मिलकर पढ़िए, ये सारी चीज़ें अपने फैमिली ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करें। गेमिंग आप इनडोर गेमिंग्स कर सकते हैं, बच्चों के साथ छोटी छोटी गेम्स आप प्ले कर सकते हैं, टीवी देखिए, मूवीज़ देखिए, कॉमेडी शोज़ देखिए जो आपको एनर्जी भी दे और आपके मूड को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, ये सिर्फ ना सिर्फ इसलिए बेहतर है कि एक तो आपका टाइम गुजर जाएगा, दूसरा आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। खाना पकाने की एक्टिविटीज़ कीजिए बच्चों के साथ मिलके, हस्बैंड और वाइफ जो है अपनी अपनी ड्यूटीज़ लगाएं, सुबह का नाश्ता किसने बनाना है, दोपहर का खाना किसने बनाना है, ताकि टाइम बहुत अच्छा गुजर सके। और आपस में लड़ाइयाँ झगड़े मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि घर में रहने की वजह से लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ गए हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, इस टाइम को अपने लिए बेनिफिशियल बनाएं, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। जैसे मैंने बताया कोशिश करें नमाज कुरान इकट्ठा पढ़ें, बारबेक्यू भी कर सकते हैं फैमिली वाले, घर वाले सिर्फ लोग जो 4-5-6 लोग घर में रहते हैं वो घर में बैठे हुए बारबेक्यू जैसी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, स्टोरी शेयरिंग हो सकती है, ऑनलाइन लोगों के साथ जो है बातचीत कीजिए, दूर दूर बैठे लोग जो हैं उनके साथ अपनी डिस्कशंस कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है अपने रबते जो है उनको इस्तवार करने की कोशिश करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मास्क चढ़ा के रखें जब घर से बाहर जाने की ज़रूरत हो, इंतहाई ज़रूरत के तहत घर से बाहर जाएं और मास्क पहन के जाएं, घर से जाते वक्त जैसे मैं बार बार कह रही हूँ हाथ धोएं, वापस आके फिर से हाथ धोएं, किसी से बात करते वक्त जो है अपना एक सोशल डिस्टेंस क्रिएट करें कम से कम 1 मीटर का, खांसी और छींक की सूरत में अपने बाजू में खांसी और छींक करने की कोशिश कीजिए। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी कौमी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश कीजिए। अल्लाह आपका और हम सबका हामी और नासिर हो, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।